जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच फिर से हाजिर हूँ एक वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेक्सन ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। यहाँ देख सकते हैं ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और ये मैंगो फ्लेवर का है। और यहाँ पे देख सकते हैं रेडी टू यूज़ एज पर रिवाइज डब्ल्यू एच ओ फार्मूला के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब ये है क्या, देखने से तो ये पानी के जैसा लग रहा है, बट ये उस बच्चे के लिए है जो डिहाइड्रेट हो चुके हैं, मतलब पानी पीने का इच्छा ज़्यादा है, पानी पीना ज़्यादा चाहते हैं वो, या फिर वो डायरिया, उनको डायरिया है या पतला स्टूल हो रहा है जिसके वजह से उसके बॉडी में कमजोरी है, पानी जो है वो ज़्यादा मांगते हैं पीने के लिए। कई सारे बच्चों में जब डायरिया डिहाइड्रेशन का समस्या होता है, पतला स्टूल होता है, तो उसमें देखा जाता है कि जब आप उसको पानी पिलाएंगे तो वो पानी लगातार पीते रहता है, मतलब उसको आप जितना पिलाएंगे उतना पीते जाएगा। और पानी वो खुद से, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो, वो पानी जब आप उनको उसको पिलाएंगे तो वो बड़े लोगों की तरह पानी बहुत बड़े चाव से पीना पसंद करता है। तो उस कंडीशन में जो है वो बच्चा डिहाइड्रेट, आप ये ना समझे कि वो बच्चा सिर्फ पानी पी रहा है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो बच्चा डिहाइड्रेट हो चुका है, मतलब उसके शरीर में, उसके ब्लड में जो है डेक्सट्रोज ग्लूकोज का मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो उस कंडीशन में जो है बच्चों को इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS पाउडर, ORS का घोल, या फिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आप दे सकते हैं अपने बच्चों को, जिससे कि क्या होगा कि उसका बॉडी जो है रिचार्ज होगा, बॉडी में एनर्जी फिर से वापस आएगा और बॉडी जो है रिहाइड्रेट होगा, मतलब बॉडी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है मैंगो फ्लेवर का, इसका स्वाद भी आपको अच्छा मिलेगा। देख सकते हैं इसमें सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, पोटासियम क्लोराइड है, सोडियम साइट्रेट है, डेक्सट्रोज एनहाइड्रस है, मतलब ये सारी इन्ग्रीडियंट्स जो कि बॉडी को चार्ज करने के लिए, बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो सारी जो है इन्ग्रीडियंट्स इसमें मिली हुई है। नॉट फॉर इंजेक्शन, ये इंजेक्शन के लिए नहीं है, आप इसको ओरल डायरेक्टली इसको आप ओरली आप दे सकते हैं अपने बच्चों को। यहाँ पे इस ढक्कन पे जो है कितना देना है उसका क्वांटिटी लिखा हुआ है, आप 5 ml 10 ml कितना दे रहे हैं वो आप यहाँ से आप दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो आप 5 ml भी दे सकते हैं, और पानी अगर ज़्यादा पी रहा है तो आप 10 ml भी दे सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव बच्चों पर नहीं होगा। आप एक एक घंटा पे, दो दो घंटा पे, आधा आधा घंटा पे कंटिन्यू बच्चे को देते रहें तो शरीर में एनर्जी बना रहेगा, पेट ठंडा रहेगा, बॉडी ठंडा रहेगा, और जो डिहाइड्रेट उसका बॉडी हुआ है या फिर जो पतला स्टूल हुआ है, जो उसके ब्लड में जो है डेक्सट्रोज का मात्रा, ग्लूकोज का मात्रा कम हुआ है, पानी का मात्रा कम हुआ है उसके शरीर में, उसकी भरपाई ये बहुत तेज़ी से करते चला जाएगा। तो उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। और गर्मी का समय है, काफ़ी ज़्यादा धूप रहता है अभी के समय में, तो ऐसे भी अपने बच्चों को यूज़ करवाएं, अपने घर में इस बोतल को ज़रूर लाएं और इसको यूज़ करवाएं अपने बच्चों को, जिससे क्या होगा बच्चे में जो है बहुत सारी समस्याएं से बच्चा जो है दूर रहेगा। जैसे फीवर, इस मौसम में धूप के वजह से जब आपका घर गर्म हो जाता है, छत जब आपका धीप जाता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हम लोग उसको देहात में धीपना बोलते हैं, और जनरली आप उसको गर्म हो जाता है ऐसा समझे, गर्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है क्या होता है, जब आप फ़ैन चलाते हैं, सीलिंग फ़ैन, तो उससे भी गर्म हवा आती है, और वो जो गर्म हवा है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हानि, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। वो ब्लड बॉडी से, ब्लड से जो है पानी का मात्रा को वो सोख लेता है, जिसके वजह से बच्चा में चिड़चिड़ापन आना, कमजोरी आना, बच्चों को बुखार रहना, बॉडी गर्म रहना, हीट, फीवर का मेडिसिन PCM पैरास्टामोल वगैरह देने के बाद भी जो है कुछ देर के बाद फिर से बॉडी हीट हो जाना, तो उस कंडीशन में आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चा जो है डिहाइड्रेट हो चुका है, बच्चे के बॉडी में जो है पानी की मात्रा कम हो चुकी है, इस वजह से बॉडी उसका हीट रहता है, गर्म रहता है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए भी, आप लू से बचने के लिए भी आप इसको यूज करवा सकते हैं अपने बच्चों को, पूरा गर्मी आप अपने बच्चों को इसको दे सकते हैं। बहुत सारे चीज़ जो है अवेलेबल है मेडिकल स्टोर में रिहाइड्रेट करने के लिए, ORS का पाउडर है, इलेक्ट्रोल है, वोलाइट है, और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो ये है डेक्सन का, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है
और प्रैक्टिकली मैंने देखा है इसका स्वाद अच्छा है, बच्चे को जब दिया जाता है तो बच्चा पीता है बहुत बड़े बहुत चाव से और बहुत अच्छे से जो है। और ये MC फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है, इस तरह का इसका पैकिंग है देख सकते हैं। और इसका जो है 30 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं आप लोग के बीच हमेशा से लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।